दाल तो बड़ी मजेदार लग रही है, खुशबू भी बड़ी बढ़िया। जब भी आपने दाल में डालना ना जीरा वगैरह डालना है तो उसको उसी वक्त ना आपने ग्राइंड के क्रश करके, और इस कटोरी में गया जीरा, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह ये देखेंगे भी लग रही है, जो तो डाइट करता है तो वो इस तरह खा सकता। तो यहाँ पे मेरे पास साबुत लहसुन है, तो यहाँ पे ये। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, कामरा भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता और मुस्कुराता रखे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे आमीन। जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे, जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती और शफा दे, जो लोग बेऔलाद हैं अल्लाह पाक उनको प्यारी सी औलाद से नवाजे, जो बेटी की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटी दे, जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटा दे। अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे आमीन। जो लोग कारोबार से परेशान है अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत दे, जो लोग बच्चियाँ और बच्चों के रिश्ते से परेशान है अल्लाह पाक सब बच्चे के नसीब अच्छे करे, सब बच्चों के मुकद्दर अच्छे करे आमीन। जो लोग इस दुनिया से चले गए अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में अला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक माँ बाप का साया बच्चों के साया पर सलामत रखे और अपनी उम्मीद जमान में रखे। तो जी फ्रेंड, जो मेरे चैनल कमेंट्स करते हैं अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश और बहुत मुस्कुराते रखे। माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं, बहुत सारा प्यार होता है, बहुत सारी दुआई होती है, ऑल फैमिली के लिए हो गया लव यू। तो जी फ्रेंड, जो मेरे चैनल पे न्यू है, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि तमाम मेरी वीडियो आपके पास आती रहे। तो आज हम सबकी मनपसंद डिश बनाने वाले हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान रेसिपी है, जो कि मैं आपके साथ मज़ेदार सी दाल तड़के वाली शेयर करने वाली हूँ। क्या हाँ, बनाएंगे माँ चने की दाल, जिसके साथ हम खाएंगे सहरी टाइम परांठा और अपना अफ्तारी टाइम भी खा सकते हैं, सहरी टाइम भी खा सकते हैं। तो रमज़ान के लिए हम बनाते हैं सबकी मनपसंद पाकिस्तान की मशहूर डिश है, क्या है जी? दाल चावल। चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास है एक पाउच माँ की दाल है, ये साबुत वाली नहीं है, ये दली हुई है। इस तरह से हमने इसको अच्छे से साफ़ किया पहले, साफ़ करके तो इसको हमने धो के रख लिया। और यहाँ पे जी मेरे पास है जी चने की दाल है, ये भी यहाँ पे भी इसको हमने अच्छे से साफ़ सूफ करके तो इसको भिगो के भी रख दिया। तो इसी के साथ यहाँ पे जी क्या क्या मसाले जो इसके अंदर जाने हैं मेरे तरीके से हैं, जो मैं बनाती हूँ। यहाँ पर जी मेरे पास है जी ज़्यादा वाले लहसुन, मैंने ज़्यादा लहसुन लिया है, तकरीबन 5-6 जो पीस है ना लहसुन के, वो मैंने ना गठी हैं वो लेके तो उसको छील लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है जी ग्रीन लहसुन, जो कि आजकल के मौसम में आता है। माशाल्लाह इसकी जो खुशबू है, जो इसके तड़के लगने हैं ना, तो मैं कहती हूँ उस समय कमाल है। तो यहाँ पे मेरे पास साबुत लहसुन है, तो यहाँ पे ये भी लहसुन है, ठीक है, इसको हम लगाएंगे तड़के छड़के। तो यहाँ पे मेरे पास है जी धनिया, जो कि हमारी जो दाल की रौनक है वो है। अच्छा जी, क्या मसाले हैं? बिल्कुल ये लाइट मसाले हैं जो कि जाने वाले हैं दाल में। यहाँ पे नमक है, लाल मिर्च है और कुटी हुई लाल मिर्च है, ज़ीरा है, हल्दी है, और ये 1, 2, 3, 4, 5 मसाले हैं, बट ये कुछ नहीं जाएगा, यही मसाले जाएंगे। लास्ट पर एक मसाला जाएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जी हमने ऊपर रखा हुआ है पानी गर्म, यहाँ पर जी पानी गर्म हो गया मेरा। तो इसके अंदर हम डाल देंगे जी अदरक का पेस्ट है मेरे पास, तकरीबन एक इतना पीस था, उसको मैंने ग्रेट कर लिया इस तरह से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चले गए जी ये अदरक का पीस, अदरक वगैरह पेस्ट वगैरह, लहसुन, हरी मिर्च और इसके साथ जो मसाले हैं मेरे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये है जी मसाले, ये चले जाएंगे। इसके अंदर जाएगा जी थोड़ा सा ग्रीन लहसुन। अच्छा जी, इसी के साथ इसके अंदर जाएगी दाल, इसको हम निकाल लेते हैं, पानी कर लेते हैं इसका, अच्छे से मैं वॉश करके रखा हुआ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये दाल भी इसके अंदर चला जाएगी। और साथ में जिसके अंदर माँ की दाल है वो भी इसके अंदर हमें शामिल कर देनी है, साथ में हमें इसके अंदर कर देना है पानी को शामिल इस तरह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, तकरीबन मैंने ना 2 किलो के करीब इसके अंदर पानी शामिल किया है। तो अभी मैंने क्या करना जी, सारा कुछ हमने इसके अंदर शामिल कर लिया है। और यहाँ पर मेरे पास है जी कुकिंग ऑयल। अच्छा जी, हम इसमें अंदर अभी भी डालेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तकरीबन मैंने ना इसके अंदर 4-5 चम्मच के करीब डाल दिए हैं। इसके अंदर हमने अभी भी डाल लाया, जब बाद में इसका तड़का लगाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। इसको मैंने रख देना है चूल्हे के ऊपर। अच्छा जी, इसके साथ जी हम लगाएंगे वेट, कम से कम 15 से 20 मिनट वेट लगाते हैं, जाना आपने कहीं नहीं है, वेट लगाते फिर हम आपसे मिलते हैं। यहाँ पे जी इसको हमने लगा दिया वेट, इसको कर दिया है लॉक, अभी इसकी जो सीटी सीटी बोलेगी ना वेट लगता है, फिर हम आपसे मिलते हैं। कितनी देर बाद मिलना? 15 से 20 मिनट बाद मिल लेते हैं। अच्छा जी फ्रेंड, यहाँ पे जी हम लगाते हैं तड़का, और यहाँ पे मसाला है जो कि बस जी बस मसाले को यहाँ पे मैंने पीस दिया है जी। यहाँ पे जी
प्रेशर का भी मैंने ऊपर से कैप उठा दिया है और यहाँ पे जी हम इसको खोलेंगे, इसकी हवा निकलती है। यहाँ पे हम तड़का लगाते हैं, तड़के में जी मेरे पास यहाँ पे लहसुन है जो कि मैंने इसी तरह से कटिंग कर लिया। यहाँ पे देसी घी का हम तड़का लगाते हैं और यहाँ पे जी ग्रीन लहसुन है ये भी हम डालते हैं इसके अंदर और साथ साथ जी इसको अच्छे से निकाल लेते हैं लहसुन को और यहाँ पर ये भी निकाल लेते हैं सारा लहसुन। तो इसको हम लगाते हैं तड़का, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप थोड़ा लेना चाहते हैं तो थोड़ा ले लें। और यहाँ पे ना खाली कुछ नहीं डाला मैंने इसके अंदर, ज़ीरा है तो ज़ीरे को मैंने अच्छे से ना पीस लिया। ये है जी बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश मसाला, यहाँ पे देसी घी थोड़ा सा और डाल देते हैं तो ये मेल्ट हो गया। ये देसी घी डाला पहले मैंने तो इसके ऊपर रखा, तो इसको हम लगाते हैं तड़का, थोड़ा सा गर्म होता है तो इसको हम अंदर डालेंगे। और मुझे तो अभी से दाल की मज़े की खुशबू आ रही है, मैं अभी आप उसका कैप खोलती हूँ, उसको चेक करवाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जी इसका हमने माशाल्लाह दाल हमारी ज़बरदस्त हो गई है माशाल्लाह, देख सकते हैं। इसको अच्छे से हम हला लेंगे इस तरह से और ये देखिए जी हमारी दाल माशाल्लाह कितनी अच्छी और कितनी मज़े की बनी है, कलर इसका कितना अच्छा बना है। बस यहाँ पे जी हमारा जो देसी घी है, जो ग्रीन लहसुन है और साथ में ये जो वाइट लहसुन है, दोनों को हमने अच्छे से डाला है इसके अंदर और देसी घी में इसको अच्छे से करेंगे फ्राई, तो इसका प्यारा सा कलर होगा चेंज। तो फिर हम इसका मज़ेदार सा लगाएंगे तड़का। अदरक अदरक मैंने इसके अंदर ही डाल लिया था, इसके अंदर भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसके अंदर प्रॉपर डाला हुआ है अदरक, मुझे तो बहुत अच्छी इसकी लुक भी लग रही है। जो तो डाइट करता है तो वो इस तरह खा सकता है तड़के के बगैर, उसका भी टेस्ट अच्छा होता है, मज़े का होता है। तो बस यहाँ पे जी इसके ऊपर धनिया डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और मज़ेदार सी हमारी रेसिपी यहाँ पे जी रमज़ान रेसिपी शेयर करी हूँ, क्योंकि रमज़ान में दिल करता ना कुछ खाने को, तो मतलब कि इसके साथ परांठे का बड़े मज़ा आता है सही टाइम, तो कुछ भी ना खाया जाए तो, लेकिन दाल चावल जो होते हैं ना वो अफ्तारी में, मतलब कि ना जब हम अपना अफ्तारी करते हैं ना, अफ्तारी के बाद जब हम नमाज तरावीह पढ़ते हैं उसके बाद दिल करता कुछ खाने को ना, फिर भूख लगती है, फिर दाल चावल है वो डिश है कि बंदा हर कोई खा सकता है। ये तो मोहब्बत है तड़के वाली, मजे की खुशबू भी आ रही है। और यहाँ पे जो मसाला जीरे का मसाला, कुछ नहीं ओनली जीरा, इतनी मजे की खुशबू आ रही है ना, और दाल तड़के छड़के जड़े ना मजेदार लग रहे हैं, मनु लग रहे नहीं है नहीं, और खुशबू के साथ भूख लगी है डबल। वाह, इसको बंद करते हैं, यहाँ पे प्रेशर में रखते हैं जी दाल को खाते हैं और इसको हम लगाते हैं तड़के, जिम्मेदार बन गए, वाह मजे की लुक है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाह जी ये है जी मजेदार रमजान के तड़के, बनाए खाएं मुझे कमेंट में बताएं मेरी दाल की रेसिपी कैसी लगी, जो कि आउट ऑफ कंट्री से मुझे देखते हैं, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और मुझे खुश होते हैं, कहते हैं कि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बतों का और प्यार का शुक्रिया। यहाँ पे जी गया हरा धनिया और यहाँ पे गया जी गर्म मसाला, गर्म मसाला माशाल्लाह, ये है खुशबू मज़े के तड़के रमज़ान की है जी, मज़े के तरह की रेसिपी बनाए, मुझे बताएं मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको दाल रेसिपी, मज़ेदार है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और इसको थोड़ी में गया ज़ीरा लेकिन कोई बात नहीं है, आपको लुक दिखाते हैं माशाल्लाह, ये देखिए जी लुक भी मज़े की है और जो मैंने लहसुन डाला हुआ है प्रॉपर मेरे काजू के नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, खूबसूरत है और ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है जो कि आपके साथ शेयर की है यहाँ पर। वाह जी माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू, ये काजू कामिल्टी काजू। तो यहाँ पे दाल रखते हैं हम प्याली दाल की और इसको हम रखते हैं साइड पे और जनाब इसको आगे करने वाले हैं टेस्ट, फिर बताते हैं कि दाल का टेस्ट जो जायका है वो कैसा है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह, साथ में अचार भी है, साथ में चावल है बॉयल चावल है और ये है नया चावल, साथ में कामरा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करने वाले हैं टेस्ट। जनाब आ गया जी माशाल्लाह दाल है जड़ी निबे नाल काजुआ दे नाल, क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह, लुक भी अच्छी लग रही है और देखने में भी अच्छी लग रही है माशाल्लाह ना। दाल खाएं पहले आप, दाल टेस्ट करें, गर्म बड़ी है वैसे, ये बात याद रखना, अभी चूल्हे से उतरी है दाल तो बड़ी मजेदार लग रही है,
खुशबू भी बड़ी वधिया। जब भी आपने दाल में डालना ना जीरा वगैरह डालना तो उसको उसी वक्त ना आपने ग्राइंड के क्रश करके डालिएगा, फिर उसका जायका देखिएगा। ताज़ी खुशबू अपनी है धनिया की और जीरे की। गरम है भाई ये बिल्कुल, आसमान गरम गरम उतारी है और यकीन करो खुशबू और जायका मुझे नजर आ रही है कि दाल बहुत मजेदार है। दाल वाकई खुशबू भी इसकी बड़ी मजे की। आजकल के ना नए दाल चावल आते हैं ना, नए दाल ये चावल ये वो है। हाय 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। चमची के साथ ऐसे ही दाल खाने को दिल करेगा रमजान में, तो वैसे ही इसके साथ परांठे का सही टाइम पर रमजान है। अफ्तारी टाइम दाल चावल खा ले और सही टाइम परांठा खा सकते हैं आप। आहा माशाल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फालसा जनाब यहाँ पे ना तारों साहब तो लगे हैं, बिजी हैं, बहुत ही बिजी हैं अपना दाल चावलों में दाल के दाल में, और मेरा भी दिल कर रहा है, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। देसी घी दे हजे दाल हो या स्वाद है। और आपको पता मैंने इसका तड़का भी देसी घी के लगाया है माशाल्लाह, इसलिए आपको बड़ा टेस्ट आ रहा है। इसका तड़का लगाया और माशाल्लाह से साथ में जो नए चावल है। चले फ्रेंड्स अगर मेरी आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और बेल को प्रेस कर दें ताकि तमाम मेरी वीडियो आपके पास आती रहे। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते और मुस्कुराते रहे, दुआ में याद रखें, और इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए दे इजाजत। ओके फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़ बाय।